सो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। थोड़ी देर पहले ही मैं एक व्लॉग कंप्लीट किया हूँ और फिर से और एक व्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि भाई देखो अभी क्या करना है। हम लोग जो रूम में सेट हुए, आप लोग लास्ट वीडियो में देखे होंगे, रूम के अंदर बस दिखाया गया, ठीक है ना, प्रॉपरली नहीं दिखाया गया। तो अभी पूरा घर को थोड़ा अच्छे से आप लोगों को दिखाते हैं कैसा हालत में है, और उसको थोड़ा बहुत ठीक करना है, रहने लायक बनाना है, पूरा सेट करना है। हम लोग का किचन रेडी करना है, बेडरूम रेडी करना है, हम लोग का हॉल रूम रेडी करना है, भाई बहुत कुछ है। और वो भी बढ़िया, एक चीज़ क्या पता है, पूरा घर मिट्टी का है और घर के अंदर से बाहर का जो नज़ारा है गजब का है। हाँ, पूरा घर हमारा है। पूरा घर हमारा है। तो गाइस पहले घर के बाहर से ना नजारा दिखाते हैं आप लोगों को। घर का मालिक। तो गाइस देखो ये है बेडरूम, और बेडरूम से देखो सुबह सुबह क्या नजारा दिखेगा। ओ भाई देखो, वेजिटेशन, पहाड़ी, ओए होए होए होए, ये तो ऑर्गाज्म वाली व्यू है। और गाइज इस साइड और एक विंडो है, इस साइड भी व्यू, इस साइड भी व्यू, देखो व्यू चाहिए आ जाओ दिखा देंगे। तो गाइज ये गया हमारा बेडरूम, ठीक है, 0.5 कर देता हूँ, थोड़ा अंधेरा दिखेगा, एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद आता है गाइज ये रहा हमारा हॉल रूम, ठीक है। और गाइज देखो जो किचन है ना हॉल रूम से बाहर, यहाँ पे एक किचन है, हम लोग डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे बनाएंगे या फिर यहाँ पे, और एक छोटा सा जगह है ये देखो, तो इसको हम अपना किचन बना सकते हैं। तो इजी रहेगा क्या, एक ही घर के अंदर सब कुछ रहेगा, वरना दौड़ के किचन में जाओ फिर ये आओ दिक्कत है। यहाँ पे बना सकते हैं। और ये सारा देखो भाई यहाँ का लोकल मशीटी, ठीक है, पर वो ये जलाना चूल्हा कहाँ है, चूल्हा बनाना पड़ेगा, वही तो है ना, चूल्हा बनाना पड़ेगा। ये है इन लोगों का जो एंसेस्टर लोगों का भाला नागालैंड का, देखो। तो गाइस क्या बोलते हो, यहाँ पे किचन बनाए या फिर ये जो किचन है ऑलरेडी रेडीमेड किचन है, हाँ खोलो, पूरा गांव ना, ये देखो गाइस किचन है, यहाँ पे शेल्फ भी है, चाय पीने के लिए बर्तन भी है, बस धोना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो गाइस ऊपर जो है ना रबर सूख रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में डिटेल्स में पूरा दिखाएंगे। और वो दिखाएंगे कहाँ, देखो यहाँ पे सुखाया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग देखो किचन काइंड ऑफ बना हुआ है, यहाँ पे किचन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत एशेस है, नहीं इसका दिक्कत हो सकता है, तो क्लीन कर सकते हैं ऐसे। तो क्या करें, कहाँ पे बनाएं, यहाँ पर ही बनाते हैं, अंदर ही बनाते हैं, अंदर बनाते हैं, लेकिन वो वाला थोड़ा चूल्हा बनाएंगे क्या, छोटा पड़ जाएगा चूल्हा। देखो बनाने के लिए देखो यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर और दो पत्थर तो मिल ही जाएंगे, यहाँ पे पत्थर का तो कोई कमी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो सामने, यहाँ पे पूरा रबर का प्लांट, मतलब जो सूख रहा है। और ये जो है ये पानी का स्टोरेज है, टैंक है, पहाड़ी से पूरा आता है प्योर वाटर, ये देखो वो देखो आ रहा है, हाँ पूरे घर में यही से, सबके घर में यही से पानी सप्लाई होता है। मुझे यहाँ पे आके ना वो केरला मूवी का वाइब आ रहा है। भाई बड़ा मस्त है भाई, लेकिन भाई आज जो है ना वाइब का बात नहीं है, जो गांव उसका वाइब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज का जो है हम लोग का रूम का ये वाला सेटअप वेटअप करना है पूरा हमारा, 1000 करोड़ का रूम टूर देंगे आज आपको उसको सेट करेंगे हम लोग, कैसे क्या आज क्या खाना बनाते क्या नहीं, भाई आज का दिन का पूरा वही मतलब रात का रहेगा और क्या। ये रहा गाइस पूरा होल घर, चलो चलो। तो आओ सबसे पहला काम ये करते, किचन बाद में डिसाइड करते, ठीक है, इधर आओ। सबसे पहला काम जो है बेडरूम रेडी करते, ये जो है ना
इसको हम लोग को लेके वहाँ जाना, उस साइड लाना है। ठीक है, तो ये पहले लाला आ जाओ, हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। क्या है वो ट्रॉफी लाला? ये लकड़ी का है ना? हाँ। भाई साहब कभी देखे हो लकड़ी का? ये देखो, मैं पहली बार देख रहा हूँ। खोल सकते हैं इसको? क्या इसके अंदर? वे सर्वर तो नहीं है? बर्तन, बर्तन। अच्छा, ये बहुत सारा चम्मच है हमारे लिए। चम्मच में खाना बनाएंगे? देख यहाँ पे तो चाय का केटल, हम लोग क्यों लेके आए? हाँ ये मस्त चीज है। चलो अभी इसको निकालना, एक टास्क है। ये हो गया बेड रेडी, आराम से सो जाएंगे। ऐसे ऐसे भाड़े पे लगा जाएंगे। लेकिन हम लोग को मच्छरदानी छोटा पड़ जाएगा लग रहा है। गाइस हमारा लाइन में हम लेके घूमते हैं। यहाँ पे थोड़ा अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन का काम चल रहा है। हमारा बेमो भाई तो लग रहा है पूरा ऑलराउंडर है भाई। आए पूरा झट से वहां से तार काट दे, बोले क्या करें ये। वो देखो पूरा हाई वोल्टेज करंट है, वो ब्लैक वाला। ओ न्यूटन हो गया रे। आगे ना बहुत रिस्की काम था ना। चामाइला तेरी माँ की कुत्रिया साला। पूरा लाइट लाइट हो गया भाई। लाला कुछ नहीं किया, सिर्फ खड़ा रहा। क्या लाइट मैंने लाला? किचन में नहीं है लाइट? किचन पे होगा। अरे है रे, किचन में भी है। टेस्ट करने के लिए भी इधर सब कुछ है, यहाँ दे रहा हूँ बस। तो हम लोग चूल्हा कहाँ पे बनाए? जिधर बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं। पूरा होम स्टे जैसा है, इधर बनाओ फ्री। ये पूरा फ्री है, बनाओ कोई टेंशन। हाँ ठीक है, चलो। सिर्फ इसमें आग नहीं लगाना चाहिए। आग लगाएंगे हम लोग का रहने का जगह खत्म ना। घर में आग नहीं लगाना चाहिए, बाकी कुछ भी बनाओ कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस चूल्हा का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो रेडीमेड चूल्हा रेडी हम लोग का। पन्ने के दिन गिर गया तो नहीं है भरे, ये ऐसा भी रख सकते हैं। हाँ बस हो गया, और क्या चाहिए? रेडी चूल्हा है ना। हाँ देखो गाइस कितना मस्त चूल्हा है, और थोड़ा लंबा कर दे तो हम लोग एक साथ दो दो खाना बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ ये एडजस्टेबल चूल्हा है। ये इस तरफ डोसा बनाएंगे, डोसा है ना। हो गया बस। डबल चूल्हा गाइस, डबल चूल्हा गाइस। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो हम लोग गैस में डबल चूल्हा नहीं मिल पाता है, यहाँ पे भाई लकड़ी में डबल चूल्हा मिल गया। बस बीमा भाई तो सब कुछ पॉसिबल है। अभी काटने के लिए भी सब इधर है। लेकिन काटू क्या है इससे? वो भी तो चाहिए। चलो चलो लकड़ी अभी काम है, लकड़ी इकट्ठा करना है। देखो बस तोड़ फोड़ चल रहा है गाइस बहुत जोर शोरों से लकड़ियों का। लेके चलो खाना बनाओ। हे
थोड़ा थोड़ा पीस पीस कर दूं क्या इससे? वो भी डबल चूल्हा टिंकू क्या क्या स्पाइसेस हाँ जो भी है सारा सामान यहाँ पे टेबल पे रखो उसके ऊपर रखो मतलब सारा निकाल के रख दो क्योंकि भाई कैंपिंग में तो ऐसे नहीं वो पूरा बैग उठा के नहीं लेके जा सकते। कैंपिंग में जो भी तो सामान चाहिए होगा बैग में डालेंगे फिर जाएंगे ठीक है, इसलिए सारा सामान निकाल दो। अरे चाकू नहीं भाई बहुत है अपने पास, बड़ा मजा आ रहा है भाई, किसको मजा नहीं आ रहा है इनमें से? क्या काटना है बोलो? बिल्ली को काटो, बिल्ली को काटो। देखो गाइस आंटी लेके आए हमारे लोकल कॉर्न। अरे ये देखने में भी थोड़ा अलग दिख रहा है, नहीं बहुत मीठा है लेकिन पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। उसको थोड़ा मतलब क्या बोलूं, थोड़ा चीवी टाइप का है। तो गाइज अभी आंटी आए थे हम लोग को बढ़िया मतलब पूरा ऑर्गेनिक कॉर्न देके गए और इसका टेस्ट बहुत ही गजब है, पूरा अलग टाइप का है, मतलब इसमें स्टार्च भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरा एक एक पीस मुंह में जाने से पूरा मुंह भर जा रहा है, इस टाइप का फील आ रहा है। और उसके साथ साथ भी और एक बात बोले जो कि हमारे बेमो भाई ने थोड़ा ट्रांसलेट करके हम लोग को बताया कि यहाँ पे आज चर्च में हम लोग के लिए पूरा जितना जन भी आया सबके लिए प्रे किया गया कि हम लोग यहाँ से बढ़िया से जो भी काम करना है काम वाम करके कंप्लीट करके अच्छे से घर जा सके, सेफली घर जा पाए, घर सेफली घर जा पाए, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। चलो गाइज कोई टेंशन है नहीं, यहाँ पे हम लोग का केयर करने वाले इतने लोग है, क्या होने वाला है कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा मस्ती होने वाला है, 100% सेफ्टी है यहाँ पे, पूरा सेफ्टी है गाइस, पूरा सिक्योर फील हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। बेमो भाई तो है और क्या चाहिए। सो गाइस अभी हमारा रूम पूरा सेट हो चुका है, जो सामान जहाँ पे रहना चाहिए हम भी पूरा सेट हो चुके हैं। आप लोग को दिखा देते हैं भाई हमारा रूम का पूरा एक टूर लगा देते हैं ना। तो ये देखो गाइज हमारा बढ़िया बेड रेडी है और किंग साइज बेड रेडी है और एसी भी दो लग चुका है, दो एसी है गाइज, यहाँ पे एक है और हट मुंडी हटा, यहाँ पे एक है गाइज, दो सेंट्रल एसी लग चुका है और जिसके वजह से रूम के अंदर पूरा मस्त ठंडा है, एक एसी तो बंद कर दिया गाइज, हाँ और एक एसी बंद हो गया है और ठंडा लगता है। और इसको बोल रहे हमारा जो बेमो भाई बोल रहे की गर्मी बहुत, नहीं कैसे बोल रहे है, बहुत गर्मी है ये जो सुपर मार्केट देख के जो आंटी आए थे, आंटी आके बोल रहे बाप रे इतना सामान मिला, अंकल भी आके बोल रहे हैं, लेकिन जो भी बोलो अंकल आंटी दोनों मतलब पूरा यहाँ पे गांव भाई बहुत ही बढ़िया। आंटी आके दो बार आके देख के गई क्या चाहिए क्या नहीं, हाँ क्या चाहिए क्या नहीं, जो चाहिए वो बताओ, अंकल आके बोल ले जो भी सामान चाहिए बताओ ठीक है। तो भाई अच्छा लगा, पूरा घर वाला फील आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे बाकी सामान जो है जो रेगुलर यूज नहीं होने वाला है, और यहाँ पे हमारा किचन का थोड़ा बहुत सामान है, ये देखिए कैंपिंग का सामान, लेकिन किचन में यूज होगा। और गाइज ये रहा किचन में, एक ऐसी गाइज किचन में भी एक ऐसी, देख रहे हो अमीरी, देख रहे हो गाइज अमीरी, देखो और ये गाइज डबल भाई, कितना मस्त हवा आ रहा है रे, सच में एसी जैसा लग रहा है, 16 में लगा हुआ है एसी, डबल चूल्ही। और गाइज ये देखो पहले ये दिखा देते है ना, ये हमारा किचन का सामान, ये रहा सिलेंडर हमारा, ये रहा सिलेंडर और ये जबल डबल चली गाइस। तो कैसा लगा आप लोगों को बताओ? हमको तो अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो अभी झट से खाना बनाना शुरू करते हैं, मज्जो आएगा, पूरा मज्जो आएगा, नहीं पूरा मिट्टी का घर में मतलब चूल्हा
लकड़ी से हम लोग खाना बना के खाएंगे भाई, उसका टेस्ट भी मस्त आता है, मस्त आएगा। मतलब एक चीज क्या पता है, इस बार के ट्रिप में हम लोग को पूरा एक घर मिल गया। मतलब सामने सामने जगह भी आइसोलेटेड घर पूरा मिल गया, 3 BHK सब कुछ है, 3 BHK डुप्लेक्स। चलो घड़ी भी है, चलो चलो खाना बनाने का प्रिपरेशन करते हैं जल्दी, ठीक है। हो गया क्लीनिंग, चलो तुम लोग ये जल्दी धोके लाओ। कितना टाइम लगेगा, और हम लोग आग लगाते हैं तब तक, ठीक है। मजा आ रहा है, मुझे घर देख के ही मजा आ गया। मुझे पूरा वो बचपन क्या आता है जब मेरे को भी, इसलिए तो मेरा बहुत शौक था कि मतलब कहीं पे भी जाओ तो ऐसे कहीं घर मिले तो मजा आ जाएगा। वो जो बचपन में वो कार्टून देखते थे ना, सिंचन डोरेमोन वगैरह, अरे तुम तो कार्टून की बात कर रहे हो, मैं बचपन में ये वाला जिंदगी जी के आया हूँ ना, पूरा मिट्टी के घर में भाई, वो वाला फील पूरा कच्चा। तुम भी है खाना बनाते है, क्या खाओगे रे? दाल चावल, दाल चावल, दाल बिरयानी, बर्तन देख रहे हो ना, पूरा ऑथेंटिक बर्तन पुष्पा मूवी में जो वो जो थकन जी से पकड़ता है ना, वो वाला झुकेगा नहीं सर। डाल लो पूरा, सब कुछ पास में ही है। ये वाला लकड़ी लगा दी, बड़ा वाला साइड में, ये जो चावल है तो बेमो भाई के जो मम्मी वो देखे गए हैं। जो हम लोग अगर चावल खरीद के लाते हैं वहाँ से 5 किलो भी खरीद के लाते, फिर भी उसको मतलब इतना दूर से उठा के लाना बहुत दिक्कत होता, इसलिए भाई बोले कि नहीं घर से ले लेंगे, बोले चावल लेके गए। और देखो हमारे पास भी कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास जैसे आप लोगों को तो पता ही है, अमीर आदमी है भाई, किचन के अंदर 2-2 AC और उसके साथ साथ 2-2 भाई चूल्हा, तो इसलिए एक साइड में दाल बैठा है, दूसरे साइड में चावल बैठेगा। अमीर ही देख रहे हो गाइस, ये खत्म ना होने वाला अमीरी है, हंसो मत, सच में बता रहा हूँ, ये अमीरी ही है, ये अमीरी के जो फील कर पाया ना भाई। हमारे पास स्विमिंग पूल भी है लेकिन बाल्टी डाल के पानी उठाते हैं। साल में एक बार ही आता है, बाबूराव का स्विमिंग पूल है ना, बाबूराव में एक बार नहीं आया अभी बहुत। सोचो एक चीज, ऐसे माहौल में थोड़ा बारिश हो जाए, कितना पानी हो जाएगा ना, कितना पानी, थोड़ा चक्के देखो तुषार भाओ, मैं माओ मेरे को शौक नहीं है भाओ, भाई सब क्या है मिर्च, वाह 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 भाई बढ़िया मिर्ची है लाला, पता चला सवल के हाथ तेरा है, तीखा नहीं है, पता चला खाने होगा, पता नहीं चलेगा तीखा नहीं है, पीस पीस करने की जरूरत है, बीच में काट दे हो जाएगा, बीच से काट दे, क्या गजब दिख रहा है रे, लिखा है कितना हो रहा है, हो रहा है, इसको भी थोड़ा ये करके मिक्स कर दे, ये भी एक कैंपिंग है, बुरा मत मानो, ये भी एक कैंपिंग है। गाइस दाल बनने जा रहा, दाल गिर जाए, लाला बोल रहा था ना बिरयानी नॉन वेज दाल, क्यों भाई बहुत गर्म नहीं होगा ना, गर्मी लगता था अभी, इतने बढ़िया बैठ के खाना बना पाते, अच्छा लग रहा है, देखिए मैं तो गर्मी लग रही है, और ये तो पूरा उधर क्या 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 कौन माझी <उसको
पुष्प का नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं। फायर है। टमाटर डाल देता है। इस बार हमारा ब्लॉग में भी गाइस आप लोग खाना बनाना कैंपिंग टाइप का देखोगे ना जी, बनाने हम वही करेंगे तो क्या देखोगे सब बैठ बैठ के खाएगा। नहीं नहीं हम तो पूरा यहाँ का कोई एक डिश खाएंगे ना कैंपिंग लोकल, वो तो मैं बनाएगा बिल्कुल। तो गाइस चलो अभी रात के 9-10 बजे 1 बजे हम लोग दस बजे और इस गांव का हर कोई फैमिली अब शायद सो रहा है, हर कोई सो गया, हम ही जागे हुए क्योंकि हम भी अभी नए फैमिली हो गए ना इस गांव के, हम भी एक फैमिली जागे हुए, बाकी सारे फैमिली सो गए। हम लोग बात थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा समझ रहे, वरना क्या पता बुरा लग जाए हम लोग को, बुरा लगे। तो चलो हम लोग अपना डिनर करते हैं, दाल और उसके साथ यहाँ पे आलू चोखा। दाल के साथ ये चीज़ मस्त लगता है। नमक का है झमेला खत्म ना, कौन इतना बार बार। चलो गाइस खाते हैं सिंपल खाना, मेरे को लग रहा है ये सिंपल खाना बहुत खाना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं है जाके खरीद के लाते हैं, लेकिन बोल रहे थे ना एक दुकान है नीचे, हाँ 40 मिनट लगेगा चल के जाने से, देखते अगर हो सके तो कल जाएंगे। नमक ला रहे हैं, एक काम करते हैं ट्रेन से तो दुकान ओपन कर देते हैं यहाँ पर। मैं बोला ट्रेन से तो बेटर होगा। कैसा बना खाना? बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहे कुछ खा रहे आज का खाना से। आज के खाने के बारे में मत बोलो भाई, ये भी निकल जाएगा। इतना मुश्किल से खाया वहाँ पे, स्टार्टिंग में वो लोग बोल दिए थे जितने लेने लो लेकिन वेस्ट मत करना, उसी वजह से जितना भी हो सके हम लोग खाए, वरना तो भाई हम लोग वेट कर रहे थे कब यहाँ से खाली हो गए लोग हम जाके फेंकेंगे। चलो गाइस हम खाते हैं, मिलते आपको। तो गाइस खा पी के आ गए, अबे सुसु लगेगा ना, नहीं लगेगा इधर है ना, इधर है ना, कूलर है क्या, ऐसी है वे, ऐसी नहीं कर देंगे। तो चलो गाइस हम सोते हैं, बहुत दिन बाद हमारे उड़ीसा के वहाँ पे तो गर्मी में सोते थे, लेकिन सुकून लग रहा है नहीं, थोड़ा ठंड है, थोड़ा ओढ़ के सोना है भाई। तुम हटा उसको, छट करो, इतना लंबा वाला का है बेटे, लंबा वाला लेके घूमते हैं। अरे पैर क्यों अटक रहा है? अरे मेरा पैर। सो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं सुबह का नज़ारा और यहाँ का आवाज़ कैसा होता है, यहाँ का मॉर्निंग का चाहे कैसा रहता है, मैं नहीं दे रहा होगा। तो चलो गाइस बाय बाय गुड नाइट। लाइट वेट सब कौन कौन बंद करेगा वो? मच्छर तो ज़्यादा है नहीं, तो मच्छर तो नहीं लगा है नहीं, देखो है वो दरवाज़ा बंद है कि नहीं, देखो नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या जबरदस्त सुबह है, रात को ना भाई भयानक मस्त से सोए, इतना बढ़िया नींद आया, पूरा सबको ओढ़ के सोना पड़ा, इतना मस्त ठंड है यहाँ पे। देखो गाइस देखो लाला कितना मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सोया हुआ है, तो शायद भी वैसे ही है। इधर से भाई थोड़ा धूप आ रहा था तो विंडो बंद कर दिया, लेकिन विंडो खुलते ही बाहर का नज़ारा देखो, ओए होए होए होए, और क्या चाहिए। और भाई इस साइड का नज़ारा, बस यहीं पे खड़े रहो और नज़ारे देखो, और क्या चाहिए भाई, इसी से हो जाता है ना पूरा माइंड फ्रेश, पूरा जबरदस्त। मतलब ऐसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के जो मतलब अगर घर पे कोई रहता है, टीवी वगैरह लगाओ, मोबाइल खोल के कुछ भी देखो, वो ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पे विंडो पे आ जाओ, बस इधर देखते रहो, पूरा लाइव टीवी लगा हुआ है यहाँ पे।
मस्त व्यू है। चलो गाइज ये सबको भी उठाते हैं जल्दी और बोलते हैं सुबह सुबह थोड़ा चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं भाई बैठने वाला हूँ एडिटिंग करने के लिए, बहुत सारा एडिटिंग बाकी है। तो हमें देखो आज कैंपिंग हम लोग नहीं जाने वाले या फिर कोई भी वीडियो बनाने नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन ना पूरा फुल प्लानिंग होने वाला है और उसके साथ साथ और एक काम भी है जो मार्केटिंग करके ज़्यादा सामान नहीं लेता। हमारे पास सिर्फ दाल और आलू ही है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे बगल में एक दुकान है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से करीब 40 मिनट का रास्ता है, चल के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला एक फिर से और एक एडवेंचर आज होने वाला है। तो चलो सब उठने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों, या फिर आपको लोग बाहर का नज़ारा देखना है क्या? चलो दिखा देते हैं। देखो गाइस हमारा आलिशा बंगला के सामने, इतना ज़बरदस्त बंगलों के सामने, और आवाज़ सुन रहे हो जंगल का? अरे भाई कितना भयानक आवाज़ है। व्यू मस्त लग रहा है, नहीं मस्त है।